हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एसएनसर की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में। सीरीज और पैरेलल सर्किट है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ एग्जांपल्स देखें, इसके बाद जो है हम लोग फिर बात करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे सीरीज, चर्चा जो जिस पर कर रहे हैं, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज और पैरेलल सर्किट है क्या, इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो श्रेणी क्रम और इसको समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। तो कैसे इसको समझेंगे, मान लिया जाए कि हमारे पास दो बल्ब या ज्यादा हो सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि एक तार है और दो बल्ब हो गया, ठीक है, क्या है, दो बल्ब, तो ये दोनों बल्बों को जोड़ने के कितने तरीके हो सकते हैं इस पर समझिए। तो इस बल्ब को जोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं, कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि एक तार है और दो बल्ब हैं, तो एक बल्ब का, बल्ब में हमेशा दो पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट यानी ऐसे निकलेगा, दूसरा पॉइंट से हम रिलेटेड करके और दूसरे वाले बल्ब के पहले वाले से मिला लेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम जोड़ दें तो ये दो बल्ब जो है आराम से जोड़े जा सकते हैं। और एक बल्ब का जो एक सिरा है उसको हम अगर किसी सेल से बात करें या बैटरी की बात करें, प्लस टर्मिनल से कर दें, दूसरे वाले जो दूसरा बल्ब है उसका जो दूसरा सिरा है उसका कनेक्शन हम लोग बैटरी के माइनस टर्मिनल से कर दें। तो एक तो तरीका यह रहा कि एक तार से ही दो बल्बों को जोड़ दिया गया है, ठीक है। और यहां पर देख रहे हैं कि जो करंट निकल रहा है, माना जाए कि एक करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, तो देखेंगे कि प्लस टर्मिनल से करंट जो निकल रहा है वो ऐसे गया और बल्ब के अंदर से होते हुए दूसरे टर्मिनल से फिर से निकल करके वही करंट जा रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो करंट है हमारा वो सेम है, कहने का मतलब कॉमन है, जितना यहां से जा रहा है उतना ही हमको निकल रहा है, ठीक है। तो यहां पर करंट हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। और देख रहे हैं कि अगर वोल्टेज मान लिया जाए कि 220 वोल्ट का वोल्टेज जा रहा है, विभवांतर लग रहा है यहां पर, तो वोल्टेज जो है अगर 220 का गया भाई तो यहां पर गया और इसके बाद जब बटेगा दूसरे वाले में जाएगा तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, अंतर आएगा, कमी आएगी, पहले वाले से निकल करके जाएगा तो दूसरे वाले में कमी आ जाएगी। तो ये तो रहा हमारा सीरीज सर्किट, ऐसी सर्किट जो है सीरीज सर्किट कहलाती है, ठीक है। अगर हम सर्किट की ही बात करें कि सर्किट क्या है, तो कल की वीडियो में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है, सर्किट का मतलब यह है कि एक ऐसा पथ, एक ऐसा समायोजन जिसमें कोई अगर एक उपकरण हो और उसके एक अगर उस उपकरण को किसी बैटरी से या जनरेटर से जोड़ दिया जाए तो पल्स प्लस टर्मिनल से निकलने वाला जितना भी करंट है अगर वो माइनस वाले टर्मिनल पर पूरा पहुंच जाता है, तो इस प्रकार का जिस रास्ते जिस मीडियम से वो करंट का फ्लो, वह करंट जो है माइनस टर्मिनल पर पहुंच जाता है, वो रास्ता वो पथ ही हमारा जो है परिपथ यानी सर्किट कहलाएगा, विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा, जो करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सीरीज सर्किट में क्या है कि अगर दो बल्ब हैं उनको एक ही वायर से इस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो ये तो रहा सीरीज। अब आप ही हम बात करते हैं पैरेलल की, पैरेलल सर्किट कैसे है इसको भी समझेंगे। तो ये अगर दो बल्ब थे हमारे पास, माना जाए कि एक बल्ब ऐसे ही था और एक बैटरी लगी इसमें भी है और यहां पर एक बल्ब फिर से तार से जोड़ दिया गया है,
इस टाइप से। अब यहां देखेंगे कि करंट ये प्लस सिरा है, बैटरी का करंट गया भाई। अब यहां पर एक करंट का रास्ता यहां के लिए मिल गया, एक करंट का रास्ता इधर के लिए मिल गया। यहां पर देख रहे हैं कि करंट जो है बढ़ जा रहा है, यानी आई अगर करंट जा रहा है तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जब यहां जाएगा तो इसके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, इधर जाने के इधर। इधर मानकर चलते हैं कि ये आई वन करंट हो गया, और इधर जा देखेंगे तो ये आई टू करंट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर करंट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। लेकिन जो वोल्टेज है, यहां पर अगर हम वोल्टेज की बात करें कि वोल्टेज में क्या फर्क आ रहा है, तो देखेंगे कि वोल्टेज बराबर जा रहा है, यहां भी वही जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो दोनों में वोल्टेज जो निकलेगा वो कॉमन है, वी ही रहेगा, लेकिन करंट का फ्लो इसमें हो जा रहा है। यानी अब ये करंट जब यहां से निकलकर यहां पहुंचेगा, ये करंट घूम करके यहां भी गिराएगा। तो जब दोनों करंट यहां पर मिलेंगे तो यानी आई इस पर फिर क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। यानी पूरा करंट होना चाहिए भाई, जितना करंट जा रहा निकलेगा उतना ही तो टोटल है हमको मिलना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे ये करंट आई वन और ये वाला आई टू करंट, दोनों जब मिल करके यहां से जाएंगे, दोनों मिलेंगे, इस वजह यहां पर क्या हो जाएगा, आई इस पर टोटल है आई वन प्लस आई टू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही हमारी पैरेलल सर्किट। अब यहां पर कुछ इनके जो है प्रॉपर्टी है उनको समझेंगे कि दोनों में से ज्यादा कौन बेस्ट है। यहां पर आप चाहें तो रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। यहां पर अगर सर्किट डायग्राम की बात किया जाए तो यानी इस प्रकार से कि अगर कोई एक वायर है उसमें कई रजिस्टर्ड को जो है रजिस्टर को लगाकर जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया आर वन आर टू। क्यों, चूंकि जो बल्ब अगर लगाएंगे, मान लीजिए किसी बैटरी से जोड़ेंगे, तो ये बल्ब से पूरी वायर से जो है जितना करंट जाना चाहिए, बल्ब से जाने के बाद उतना करंट जो है नहीं लग पाता है। पहले मतलब जब करंट जाएगा यहां से इस तार से, तो ये तार जो अंदर फिलामेंट्स लगा होता है बल्ब के अंदर, एक ऐसी मेटल का ऐसे धातु का लगा होता है जो कि रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध वो है, प्रतिरोध एक प्रॉपर्टी है, गुण है। कैसा गुण, जो परिपथ यानी जो सर्किट है उस सर्किट में रुकावट उत्पन्न करता है। किस चीज के लिए रुकावट उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फ्लो को, यानी इलेक्ट्रिक जो करंट है वो करंट के रुकावट करंट को जो है कम कर देता है, धीमा कर देता है। तो बल्ब भी वही काम करेगा। यहां पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो है करंट हमारा जा रहा है। अब अगर सीरीज सर्किट की बात किया जाए तो सीरीज सर्किट में देखेंगे कि भाई यहां से एक तार जो है बल्ब के अंदर ऐसे गया, एक तार यहां से निकला हुआ है। आशा करता हूं चूंकि फिगर है अभी रियलिटी नहीं है इसलिए ऐसे ही समझा पा रहा हूं। तो अगर ये बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज हो गया मान लीजिए ऑफ हो गया, तो करंट का फ्लो क्या होगा, यहां से रुक गया भाई, यहां से नहीं जाएगा, तो आगे का ये बल्ब क्या जलेगा, नहीं जलेगा। इस पर यानी सीरीज सर्किट में एक ये ड्रॉबैक्स है, एक इसका दुर्गुण है, कहने को मतलब कमी है सीरीज सर्किट में, कि अगर एक भी उपकरण हमारा खराब हो गया, एक बल्ब हमारा फ्यूज हो गया, तो करंट का फ्लो बैकेट टूट जाएगा और ये ओपन सर्किट हो जाएगी, और इस प्रकार के करंट का फ्लो दूसरे वाले जो है हमारे उपकरण पर नहीं जा पाएगा, बल्ब में या लैंप में जो भी लगा हुआ है उस पर फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यानी जितने जितना चार्ज जा रहा था उतना चार्ज नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो ये सर्किट जो है में देखेंगे, देख रहे हैं कि यहां पर जो करंट फ्लो रुक जा रहा है, अगर एक खराब हो जा रहा था। दूसरे वाले में अगर हम बात करें, यहां से देखेंगे कि दो बल्ब लगे हुए, भाई एक ऊपर लगा हुआ है एक नीचे लगा हुआ है। यहां से अगर हमारा एक करंट जा रहा है, इधर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, अगर ये बल्ब हमारा फ्यूज हो गया, सपोज दैट खराब हो, तो क्या ये वाले में फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि करंट का फ्लो जब जा रहा है इधर भी डिवाइड हो रहा है और इधर भी हो रहा है, तो ये करंट तो भाई बैरियर टूट गए इधर, इसका करंट का फ्लो इधर नहीं हो रहा लेकिन ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये हमारे जो है बल्ब को जले देगा, इस प्रकार हमारे ये बल्ब जलेगा। तो यहां पर हम लोगों ने सीरीज सर्किट में और पैरेलल सर्किट में दोनों में अंतर को देख रहे हैं कि सीरीज सर्किट में अगर एक भी उपकरण खराब हो जा रहा है बच्चों, तो यहां पर जो है ये परिपथ आपका रुक जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन पैरेलल सर्किट में अगर एक उपकरण गड़बड़ भी हो जा रहा है तो तब भी हमारा अन्य सर्किट जो है जितने भी जो भी उपकरण लगे होंगे चलते रहेंगे। तो आप ही बताइए कि क्या आपके घरों में जो कनेक्शन होते हैं क्या कौन से होते हैं, सीरीज में होते हैं या पैरेलल में होते हैं।
अगर देखा जाए कि घर में जो हमारे उपकरण है, क्या अगर हमारा घर का मान लीजिए एक बोर्ड स्विच है, बोर्ड है, अब बोर्ड से पंखा और बल्ब और राड जो भी है ढेर सारे उपकरण कनेक्टेड होगी, अगर एक भी बल्ब हमारा फ्यूज हो गया तो क्या हमारा पंखा चलना बंद कर देता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो घरों की वायरिंग होती है वो पैरेलल फॉर्म में होती है। पैरेलल फॉर्म में यही बेनिफिट है कि अगर एक भी उपकरण हमारा खराब हो जाए, कहीं से कोई वायर शॉर्ट हो जाए या कोई उपकरण जो अप्लायंस है वो डैमेज हो जाए, तब भी करंट का फ्लो होता रहेगा, अन्य जितने भी उपकरण होंगे वो हमारे वर्क करते रहेंगे। ठीक है, तो ये इनमें दोनों में से देखा गया कि पैरेलल सर्किट इसलिए घरों पर लगाई जाती है, सीरीज वाले में नहीं लगाया जाता। देखते हैं कि बहुत से लोग जो है एक ही तार से घरों में कहीं कहीं कई बल्बों को जोड़ते चले जाते हैं। अब वहां पर लास्ट वाला बल्ब बहुत धीमा जलता है, कहते हैं ये बहुत डिम जल रहा है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर धीमा क्यों जल रहा है। करंट का फ्लो जब जाएगा, करंट का फ्लो पूरा नहीं निकल पा रहा है, पूरा बढ़ जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्टेज चूंकि डाउन होगी, भाई वोल्टेज जो है डाउन होगी। कैसे? आइए देखते हैं। V=IR फार्मूला होता है हमारे पास, V=IR फार्मूला होता है। तो अगर V=IR फार्मूला है, यहां पर देखें कि रेजिस्टेंस, अगर वोल्टेज जो है कम हो रहा है, मान लीजिए कि वोल्टेज हमारा अगर हम इसको डिवाइड करके चेक करके दिखाएं तो V/R = I होगा। अगर वोल्टेज डाउन होगा, रेजिस्टेंस फिक्स है, मान लीजिए कि 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वोल्टेज अगर कम होगा तो करंट का फ्लो क्या होगा? कम होगा, कहीं लेस होगा, है ना। और अगर जो है वोल्टेज हाई है या फिक्स है तो करंट जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है करंट का फ्लो क्या होगा? बराबर जाएगा। तो यहां पर जो सीरीज सर्किट है इसमें हम यही देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है हमारा क्या होता है? बढ़ जा रहा है, वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है। कहने का मतलब वोल्टेज बटेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि एज फार्मूला, तो फार्मूले में हम इसको कैसे नोट कर सकते हैं, लगे हाथों फार्मूला का भी कुछ दिखाई दे देंगे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वोल्टेज है वो डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ दो अप्लायंस है तो यानी V1+V2, जब दोनों को जोड़ा जाएगा तभी तो V2 इक्वल में आएगा, यानी दो अगर बढ़ रहा है वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? दोनों में अलग अलग है, उनको अगर मिला भी जाए तब टोटल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर और भी अप्लायंस हो सकते हैं, 2 से 3 लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी हम पैरेलल में भी समांतर क्रम संयोजन में भी कई अप्लायंस और लैंप और बल्ब रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें कि V=, अभी हमने बताया कि V=, फार्मूला होता है क्या? IR। तो अगर हम यहाँ पर फार्मूले को रखें तो V=, यानी क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। यहाँ V1, तो V1 में हम देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे कि IR1, ठीक है, IR1। यहां भी देखेंगे कि IR2, V2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से I का कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? R1+R2। I से I कैंसिल हो गया, यानी R = क्या आ जाएगा? R1+R2। अगर और भी हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो हम डॉट 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 और भी ऐड कर सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा जो है क्या हो रहा था, वो जो करंट है वो जो है डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी I1+I2 या जो भी है, दो ही है तो दो ही रहेंगे। भाई फार्मूला हमारे पास वही है, V=IR, तो अगर हम I = कर दें तो क्या हो जाएगा? R/ चला जाएगा, V/R, यानी I की प्लेस पर हम V/R लिखेंगे। ठीक है, यहां पर भी तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज हमारा चूंकि जो है यहां पर क्या हो रहा है, वोल्टेज कॉमन है, तो V/R1, V/R2। अगर हम V को कॉमन ले लें, 1/R1+1/R2, V/V कैंसिल हो गया तो फार्मूला हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा? 1/R = 1/R1+1/R2। ये रहा, अगर हमारे प्रतिरोध हो उनको श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ना हो तब भी उसके लिए फार्मूला का निर्गमन है, फार्मूला निकालना हमने सिखाया। और सीरीज और पैरेलल सर्किट होती क्या है उनको हमने डिफरेंसेस को क्लियर कर दिया। तो बेस्ट हमारे कौन से सर्किट मानेंगे?
पहन ले सके। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। रुद्र एकेडमी खागा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।